दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के ऊपर कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या राय है एक्सपर्ट की, फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या कंपनी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए अच्छी है या नहीं है, कंपनी फ्यूचर कैसा है इस कंपनी का, क्या कंपनी के ऊपर न्यूज़ है अभी और डिविडेंड की न्यूज़ क्या है, बोनस की न्यूज़ क्या है, ASM लिस्ट की क्या अपडेट है इसके ऊपर, हम सारी वीडियो में इसे अपडेट डालेंगे दोस्तों, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। जेपी पावर में आज 0.52% के आसपास का लोअर सर्किट देखने मिला आपको। आज ओपनिंग अच्छी हुई थी लेकिन ओपनिंग के बाद दोस्तों धीरे धीरे मार्केट लगभग लोअर सेगमेंट में एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि कंपनी क्या करेगी आने वाले टाइम में, क्या कंपनी 20 रुपये के आसपास जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 रुपये का है, वो लोग सोच रहे यार मैं क्या करूँ, एग्जिट करूँ। देखो दोस्तों मैं कहूँगा आपको एग्जिट गलती से भी मत करना आप यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में यही कंपनी आपको टारगेट 35, 28, 35 के बीच की देने वाली है। लेकिन अब मन में क्वेश्चन आया आपके कि यार ये प्राइस कब तक जाएगी, असंभव है। देखो दोस्तों संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको पता है ना पावर सेक्टर में उछाल देखने को मिल रहा है ना, यकीन करो ऐसा सेक्टर आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक तो है रियल एस्टेट सेक्टर, एक पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से काफ़ी जोरों से काम चल रहा है। मेन बात दोस्तों वहीं से उछाल देखने को मिल रहा है आपको हर एक कंपनी में, हर एक पावर सेक्टर कंपनी में। मैं आपको बोल रहा हूँ जेपी पावर का टारगेट जो देखने को मिल रहा है आपको, हल्का फुल गिरावट देखने को मिल रहा है, इसको इग्नोर करो आप। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि कंपनी 16 रुपये के आसपास जाएगी। देखो दोस्तों असंभव है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है कंपनी में 5-10% मुश्किल है इतने लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बायबैक होने की उम्मीद है हमको। यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है इसका 16-17 रुपये के आसपास का, यहाँ से कंपनी बायबैक हो सकता है। अगर आपके पास कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप होल्ड करो कंपनी को, अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो।